है गाइज, सोनू हियर, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइज, मेरा जो लास्ट वीडियो था उसमें मैं आप सभी को बताया था कि हम नॉन कॉपीराइटेड बैकग्राउंड म्यूजिक अपने यूट्यूब वीडियोस के लिए कहां से और कैसे डाउनलोड करें। बट आज के अपने इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि कैसे हम किसी वीडियो के अंदर किसी स्पेसिफिक पार्ट को ब्लर कर सकते हैं, उसे सेंसर कर सकते हैं। तो गाइज, हमें किसी वीडियो के अंदर किसी सेक्शन को ब्लर करने की जरूरत इसलिए पड़ती है, जैसे कि वीडियो के अंदर आप किसी पर्सन की एनोमिनिटी को बनाना चाहते हैं, या वीडियो के अंदर कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो आप व्यूअर्स के साथ शेयर नहीं करना चाहते हैं, तो हम इस ब्लर फिल्टर का यूज करते हैं। तो गाइज, हम इस वीडियो में शॉर्टकट के अंदर ब्लर फिल्टर को यूज करके वीडियो के किसी पार्टिकुलर सेक्शन को ब्लर करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी को बता दूं, अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं और अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे दिए गए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरे हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। गाइज, वीडियो को एडिट करने से पहले सबसे पहले आप शॉर्टकट का ये एप्लीकेशन ओपन कर लें। जैसे कि आप देख सकते हैं, मैं ये शॉर्टकट का एप्लीकेशन पहले से ओपन कर रखा हूँ। उसके बाद आप जिस भी वीडियो के अंदर ब्लर इफेक्ट डालना चाहते हैं उसे यहाँ इंपोर्ट कर लें। मैं वीडियो भी ऑलरेडी यहाँ पे इंपोर्ट कर चुका हूँ। आप यहाँ प्रोजेक्ट एरिया में इस वीडियो को देख सकते हैं। गाइज, आप यहाँ से देख सकते हैं इस वीडियो में कोई ब्लर फिल्टर यूज नहीं किया गया है। मैं आपको यहाँ प्ले करके दिखा देता हूँ। तो गाइज, जैसा कि आपने देखा, इसमें किसी भी तरह का ब्लर फिल्टर यूज नहीं किया गया है। तो मैं इस वीडियो के अंदर इस गर्ल की फेस को ब्लर करने वाला हूँ। यहाँ पे इस वीडियो को एडिट करने के लिए, इसके अंदर ब्लर इफेक्ट डालने के लिए, सबसे पहले इस वीडियो को हमें यहाँ टाइमलाइन में ऐड करना होता है। चलिए पहले हम इसे टाइमलाइन में ऐड कर लेते हैं। वीडियो को टाइमलाइन में ऐड करने के बाद चलिए हम इस वीडियो के जिस भी पोर्शन में ब्लर इफेक्ट डालना चाहते हैं उसे यहाँ से सेलेक्ट कर लेते हैं। चलिए हम यहाँ से पहले उस सेक्शन को स्प्लिट कर लेते हैं। सपोज हमें वीडियो के इस वाले सेक्शन में ब्लर इफेक्ट डालना है, तो चलिए इसे स्प्लिट करने के बाद हम इसे सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद जो है हमें कुछ फिल्टर्स यूज करने होते हैं, तो उसके लिए सिंपली आप यहाँ फिल्टर पे क्लिक कर दें, देन यहाँ पे आपको ऐड वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ पे सबसे पहले आपको जो फिल्टर यूज करना है वो है मास्क सिंपल शेप वाले फिल्टर को यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। देन जो हम सेकेंड फिल्टर यूज करने वाले हैं वो है यहाँ से ब्लर वाले फिल्टर को सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद जो मैं थर्ड फिल्टर यूज करने वाला हूँ वो यहाँ से है मास्क अप्लाई वाले फिल्टर को यूज कर लेना है। गाइज, मैं एक बार फिर से आपको बताना चाहूंगा, ये जो मैं ऑर्डर सेट किया हूँ सबसे टॉप पे जो है मास्क सिंपल शेप वाले फिल्टर को, देन ब्लर, देन मास्क अप्लाई, ऐसे ही आपको भी ऑर्डर सेलेक्ट करना है, नहीं तो बहुत ही प्रॉब्लम हो सकती है आपको वीडियो में ब्लर इफेक्ट डालने में। यहाँ पे फिल्टर सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे जो मास्क अप्लाई वाला फिल्टर है इसमें हमें कोई भी छेड़छाड़ नहीं करना है। जो भी हम चेंजेस करेंगे वो मास्क सिंपल शेप और ब्लर वाले फिल्टर के अंदर ही करेंगे। चलिए हम यहाँ से सबसे पहले ब्लर वाले फिल्टर को सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ से जो है हम ब्लर का जो साइज है, विड्थ और हाइट यहाँ से सेट करते हैं। यहाँ विड्थ और हाइट को पूरा पूरा यहाँ तक कर लें। उसके बाद आपको यहाँ मास्क सिंपल शेप वाले फिल्टर पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको कुछ ऑप्शंस मिल जाते हैं। जैसे कि यहाँ सबसे टॉप पे जो है यहाँ पे ऑपरेशन का एक ऑप्शन मिलता है। यहाँ पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे बहुत सारे अदर ऑप्शंस मिल जाएंगे, जैसे कि सबसे टॉप पे राइट ऑन क्लियर, मैक्सिमम, मिनिमम, ऐड एंड सब्ट्रैक्ट का ऑप्शन मिलता है। यहाँ से हमें राइट ऑन क्लियर वाले ऑप्शन को ही रहने देना है। अगर आप यहाँ से मैक्सिमम वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करते हैं तो जो वीडियो है वो पूरी की पूरी ब्लर हो जाएगी। जब आप यहाँ से मिनिमम सेलेक्ट करते हैं तो वीडियो के अंदर जो ब्लर का हाइट एंड विड्थ जो रखे हैं वो वाला पोर्शन ही सिर्फ ब्लर होता है। ऐड का ऑप्शन सेलेक्ट करने पे फिर से ये पूरा का पूरा जो वीडियो होगा वो ब्लर हो जाएगा। और अगर आप सब्ट्रैक्ट वाला ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं तो आप वीडियो के अंदर जो ब्लर का विड्थ और हाइट सेट किए हैं उसको छोड़ के बाकी वीडियो का पोर्शन जो होगा वो ब्लर हो जाएगा। चलिए सिंपली हम यहाँ से राइट ऑन क्लियर वाले ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ से सेकंड वाले ऑप्शन में आपको शेप का ऑप्शन मिलता है। आप वीडियो के अकॉर्डिंग आप जिस भी तरह का शेप चाहे यहाँ से यूज कर सकते हैं। जैसे कि हम इस वीडियो के अंदर फेस को ब्लर करने वाले हैं, तो जैसे कि हम जानते हैं फेस राउंड होता है, तो हम यहाँ से एलिप्स वाले ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेते हैं। अगर आप किसी वीडियो के अंदर टेक्स्ट को ब्लर करना चाहते हैं तो आप यहाँ से रेक्टेंगुलर भी सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद नीचे यहाँ पे हॉरिजॉन्टल वर्टिकल का दो ऑप्शन मिलता है, इससे हम ब्लर का जो सेक्शन है उसके पोजीशन को सेट कर पाते हैं। जैसे कि हॉरिजॉन्टल वाले से हम यहाँ से ब्लर वाले सेक्शन को लेफ्ट टू राइट मूव कर सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ वर्टिकल वाले ऑप्शन से हम इस सेक्शन को
अप टू डाउन और डाउन टू अप इसे मूव कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम इस ब्लर का विड्थ और हाइट जो है सेट कर लेते हैं। देन हम यहाँ हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल वाले ऑप्शन से इसके पोजीशन को सेट करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं ये जो ब्लर इफेक्ट है ये फेस के थोड़ा नीचे है, तो चलिए हम इसे वर्टिकल वाले ऑप्शन से इसे ऊपर कर देते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है इस वीडियो के अंदर ब्लर इफेक्ट ऐड हो चुका है। चलिए मैं इसे प्ले करके दिखा देता हूँ कि ये दिखने में कैसा लगता है। गाइस आप यहाँ देख सकते हैं मेरा वीडियो जो है थोड़ा लैग कर रहा है, क्योंकि ये जो शॉर्टकट का वीडियो एडिटर सॉफ्टवेयर है ये थोड़ा एडवांस लेवल का है। लेकिन जब मैं इस वीडियो को रेंडर करूँगा, एक्सपोर्ट करूँगा, तो वीडियो के अंदर ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। चलिए मैं आपको यहाँ से एक्सपोर्ट करके प्ले करके भी दिखा दे रहा हूँ, वहाँ पे इस तरह का कोई भी लैगिंग प्रॉब्लम नहीं आता है। तो गाइस जैसा कि आप देख सकते हैं वीडियो के अंदर ब्लर इफेक्ट सक्सेसफुली ऐड हो चुका है और वीडियो में किसी भी तरह की लैगिंग प्रॉब्लम भी नहीं है एक्सपोर्ट होने के बाद। तो गाइस ऐसा करके आप भी अपने वीडियो के किसी भी सेक्शन को सेंसर कर सकते हैं, ब्लर कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपके मन में कोई भी प्रश्न है तो इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में आप जरूर कमेंट करें, मैं आपको जरूर रिप्लाई करूंगा। और अगर गाइस आप शॉर्टकट वीडियो एडिटर का कंप्लीट वीडियो ट्यूटोरियल चाहते हैं, तो मैं पहले से शॉर्टकट के ऊपर बिगनर ट्यूटोरियल पार्ट 1, पार्ट 2 और बहुत सारे वीडियोस बना रखा हूँ, जो कि मेरे चैनल के अंदर एक शॉर्टकट ट्यूटोरियल के नाम से प्लेलिस्ट बना है जिसके अंदर सारे वीडियोस मौजूद हैं, जिसे ओपन करके आप इजिली उन सब वीडियोस को देख सकते हैं। और अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो नीचे दिए गए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरे हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चलिए आपसे मिलता हूँ फिर अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। Tell me pretty lies, look me in the face.